दोस्तों, मैं आज आपको एक फोटोग्राफर की सफलता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो फोटोग्राफर है उसका नाम है किशन। किशन नाम का एक नौजवान गांव में रहता था। वो काफी नेक लड़का था, पर उसकी अभी तक कहीं भी नौकरी नहीं लगी थी और इसी वजह से उसके पिताजी उससे नाराज रहा करते थे और जब मन आए तब उसे ताना भी मारा करते थे। अरे दिन भर बस बिना काम के बैठे रहते हो, कभी तो कुछ काम धंधा किया करो। हाँ हाँ पिताजी, करूँगा। जैसे ही कोई काम मिलेगा मैं कर लूँगा। काम तुम्हारे घर में नहीं आएगा, तुम्हें जाकर ही लेना होगा। तुम्हारे सारे दोस्तों को अच्छी जगह नौकरी मिल चुकी है, बस तुम ही यहाँ नालायक की तरह बैठे रहते हो। पिताजी, आप बार बार मुझे ये ताने ना मारा करिए, मैं भी जल्द ही कोई ना कोई अच्छा काम जरूर ढूंढ लूंगा। अब तुम्हें मेरी बातें वो तो कड़वी लगेंगी ही। इतना सुनकर कृष्णा चुपचाप गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर उदास बैठ जाता है। कृष्णा सोचते हुए बोलता है, हर रोज मुझे पिताजी ताना मारते रहते हैं, कभी भी शांत नहीं रहने देंगे मुझे ये। तब तक वहाँ पे कृष्णा का दोस्त सुदेश आ जाता है। वो कृष्णा को उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ कृष्णा, तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं यार, पिताजी दिन रात मुझसे नौकरी की बात करते रहते हैं और ताना मारते रहते हैं। तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता है? यार दरअसल बात यह है कि कोई भी नौकरी में मेरा मन नहीं लगता, हर काम करने के बाद आधे में ही छोड़ देता हूँ। मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी चाहिए। तो यार तो तू अपनी मनपसंद की नौकरी कर लेना यार, तू कितनी अच्छी फोटो खींचता है, लोग तेरे फोटो खींचने की कितनी तारीफ करते हैं, तू शहर जाकर फोटोग्राफी कर। सुदेश की बात कृष्णा को सीधे दिल में लग जाती है। कृष्णा सोच लेता है, अब मैं शहर जाकर फोटोग्राफर ही बनूंगा। वो सीधे घर आता है और अपना कैमरा बैग में भरता है और उसके साथ में कुछ अपने कपड़े भी भरता है और घर से निकलने लगता है। तभी पीछे से उसके पिताजी बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ पिताजी, काम करने। अब घर आऊंगा तो ढेर सारे पैसे लेकर ही आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। इतना बोलकर कृष्णा अपने घर से निकलकर बस में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर में आकर वो अपने दोस्त के यहाँ रुकता है और कैमरा लेकर शहर के अच्छी जगहों पर पहुँचता है। लोग वहाँ आते हैं पर बगल में और भी फोटोग्राफर खड़े रहते हैं, वो भी कृष्णा के साथ चिल्लाते हैं, फोटो फोटो, अच्छी फोटो खिंचवानी है तो जल्दी से आ जाओ, 40 में दो फोटो। 40 के दो फोटो, 40 के दो फोटो। उन लोगों की बातें सुनकर कृष्णा थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन बोलता है, ये सभी 40 में दो खींच रहे हैं, मुझे अपना रेट कम करना होगा। कृष्णा फिर से आवाज लगाता है, 30 में दो फोटो, दो फोटो 30 में, 30 में दो फोटो। उसकी बातें सुनकर सामने वाला फोटोग्राफर भी चिल्लाने लगता है, अब भैया 30 में दो फोटो खिंचा लो, 30 में दो फोटो। कृष्णा सोच में पड़ जाता है और वो सामने वाले फोटोग्राफर से बोलता है, यार तुम लोग मेरी नकल क्यों कर रहे हो? हम लोग तुम्हारी नकल नहीं कर रहे हैं, तुम भी यहाँ कमाई करने आए हो, हम भी यहाँ कमाई करने आए हैं। पर मैं यहाँ सिर्फ पैसे कमाने नहीं आया हूँ, अपना फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाने आया हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं फोटोग्राफी करने आया हूँ। इतना बोलकर कृष्णा वहाँ से चला जाता है और अकेले बैठकर सोचता है, मुझे फ्री में फोटो खींचने होंगे, तब जाके लोगों को मेरे टैलेंट के बारे में पता चलेगा और फिर मैं पैसे लूंगा। कृष्णा वहाँ आकर फिर से चिल्लाने लगता है, फ्री में फोटो खिंचवाओ, ऑफर है फ्री में, जी हाँ फ्री में अपनी फोटो खिंचवाओ। कृष्णा का फ्री ऑफर सुनकर वहाँ सारे खड़े लोग आ जाते हैं और भीड़ लगा देते हैं। सामने एक फोटोग्राफर उसकी फ्री की बातें सुनकर डर जाता है और खुद सोचने लगता है, ये आदमी तो पागल लग रहा है, फ्री में फोटो खींच रहा है, इसको खींचने दो, हम फ्री में नहीं खींचेंगे, नहीं तो हमारा धंधा सब चौपट हो जाएगा। और इधर कृष्णा फ्री में सबकी फोटो खींचने लगता है। अरे भैया मुझे भी फ्री में खिंचवानी है। हाँ हाँ सभी भैया मुझे भी फ्री में फोटो खिंचवानी है। हाँ हाँ सबकी फोटो खींचूंगा, आओ आओ चले आओ। सभी लोग फ्री में फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लगा देते हैं और कृष्णा सभी की फोटो खींचता है और सभी को उनकी फोटो निकाल कर दे देता है। लोग उसकी खींची हुई फोटो देखकर हैरान हो जाते हैं। इतनी अच्छी फोटो देखकर सभी तारीफ करते हुए बोलते हैं, भैया क्या फोटो खींची है, इतनी सुंदर है कि मुझे खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना हैंडसम लगता हूँ।
अरे वाह भाई साहब, आप तो कमाल हो। शुक्रिया शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग मेरा नंबर ले लीजिए और किसी को भी शादी, बर्थडे पार्टी या फोटोग्राफर चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आ जाऊंगा। हाँ भैया, अपना नंबर दे दो, नंबर दिए बगैर मत जाना। कृष्णा सभी को अपना नंबर दे देता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कृष्णा फिर वहीं बैठ जाता है। दूसरे फोटोग्राफर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें? सभी की फ्री में फोटो देकर तुम्हें क्या मिला, घंटा? कृष्णा बेचारा कुछ नहीं बोलता और चुपचाप किनारे बैठ जाता है। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन उठाता है और बोलता है, जी हेलो। जी आप कृष्णा बोल रहे हैं? फोटोग्राफर वाले कृष्णा, आपकी खींची हुई फोटो हमने देखी, काफी सुंदर है। हमें एक फोटोग्राफर चाहिए मेरी बेटी की शादी के लिए, और आपको अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। आप फ्री है ना? कृष्णा ये सुनकर खुश हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है और खुश होते हुए बोलता है, जी जी हाँ बिल्कुल, मैं फ्री हूँ, आ जाऊंगा। कृष्णा को ढेर सारे ऑर्डर मिलने लगते हैं और उसे ढेर सारा पैसा भी मिल जाता है। कृष्णा अपने मन पसंद का काम भी कर रहा था और उसे ढेर सारे पैसे भी कमाने का मौका मिल रहा था। और ढेर सारे पैसे लेकर एक दिन वो अपने गांव चला जाता है और पिताजी को खुशखबरी सुनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? कि अपने ऊपर विश्वास रखना सीखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम शुरू करने की कोशिश करो, आपको मंजिल जरूर। ये तब की बात है जब हर जगह बिजली की दिक्कत होती थी। उन दिनों सारे घर के छतों पे जाके सोया करते थे। वहाँ एक बच्चा था जो बहुत शैतान था, सबको बहुत तंग करता था और वो भूतों से बहुत ज्यादा डरता था। उसका नाम आनंद था। जब भी कोई भूतों की कहानी सुनाने जाता, वो वहाँ से भाग जाता और अपने माँ के आंचल में जाके छिप जाता। वो दोपहर का वक्त था जब बिजली चली गई थी और गर्मी के मौसम के वजह से सारे पहाड़ खाट पे बैठे थे आम के पेड़ों के नीचे। आनंद भी अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। कुछ और बच्चे पासी में खेल रहे थे। आनंद भी भागता हुआ वहाँ गया उनके साथ खेलने के लिए। ए आनंद, चल हम जाके उस बरगद के पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, कोई हमें वहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। चल जल्दी भागते हैं, इसकी गिनती खत्म हो गई तो हम ही चोर बनेंगे फिर। दोनों भागते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और फिर उस पेड़ के पीछे छिप गए। काफी वक्त हो गया था पर उन दोनों में से कोई मिल ही नहीं रहा था। किसी को इस बात की पता ही नहीं कि उन दोनों को वो भूत अपने साथ ही ले गया था। तुम दोनों बहुत शैतानी करते हो, किसी की बात नहीं सुनते और तो और पढ़ाई भी ठीक से नहीं करते। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। दोनों बच्चे बहुत डर गए और भूत उन्हें कहाँ ले गया था उन्हें इस बात का भी पता नहीं था। दोनों रोने लगे। भूत ने उन्हें उठाकर ऊपर पड़े से पेड़ पर बांध दिया। अब बहुत सारे कंकाल भी बंधे हुए थे। आनंद के दोस्त ने रोते हुए भूत से पूछा, भूत अंकल, आप हम दोनों को यहाँ क्यों लटका रहे हो?